नमस्कार दोस्तों, हमारी कैजुअली एक्सप्लेन सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बोन मैरो के बारे में बात करने जा रहे हैं। बोन मैरो एक स्पंजी रक्त का निर्माण करने वाला ऊतक या टिश्यू है, जो कि हमारे शरीर की कुछ चुनिंदा हड्डियों जैसे वर्टिब्री, इलियम, पसलियों, खोपड़ी, फीमर और टिबिया आदि में पाया जाता है। यह अंग जो कि पूरे शरीर के वजन का केवल 4% होता है, हर दिन लगभग 500 अरब ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। ये संख्या हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में मौजूद तारों की संख्या से भी कहीं ज्यादा है। लोगों का ऐसा मानना है कि बोन मैरो केवल खून बनाने का काम करता है, लेकिन इस धारणा के विपरीत बोन मैरो जीवन के लिए महत्वपूर्ण बहुत से कामों को करता है। तो आखिर तक बने रहिए हमारे साथ और बोन मैरो के बारे में वो सारी बातें जानिए जो हर आम इंसान को पता होनी चाहिए। बोन मैरो क्या बनाते हैं, इसके आधार पर इन्हें दो प्रकारों में बांट सकते हैं, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो में खून बनाने वाली हिमेटोपोएटिक सेल्स पाई जाती हैं। इनके प्लूरिपोटेंट नेचर की वजह से इन कोशिकाओं का इस्तेमाल बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने में किया जाता है। साधारण भाषा में प्लूरिपोटेंट नेचर का मतलब है कि ये एक ही तरह की कोशिकाएं खून की अलग अलग कोशिकाओं जैसे RBC, सभी प्रकार की WBC और प्लेटलेट्स का निर्माण कर सकती हैं। सभी RBC, प्लेटलेट्स और 60-70% तक लिम्फोसाइट्स का निर्माण रेड बोन मैरो में ही होता है। बाकी लिम्फोसाइट्स भी यहीं पर बनती हैं, लेकिन इनके मैच्योर होने का काम थाइमस, स्प्लीन और लिम्फ नोड में होता है। बचपन में जब बच्चों का शरीर बढ़ रहा होता है तो उन्हें खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए छोटी उम्र में शरीर में केवल रेड बोन मैरो ही होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कुछ रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो में बदलने लगता है। वयस्कों में लगभग 2.5 किलो बोन मैरो होता है। इस बोन मैरो का आधा हिस्सा रेड और बाकी आधा येलो बोन मैरो होता है। येलो बोन मैरो में मेसेनकाइमल सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें मैरोस्ट्रोमल सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये सेल्स कार्टिलेज के निर्माण के लिए कॉन्ड्रोसाइट्स, हड्डियों को बनाने के लिए ऑस्टियोब्लास्ट, मांसपेशियां बनाने के लिए मायोसाइट्स, शरीर के डिफेंस के लिए मैक्रोफेजेस और बहुत सी दूसरी कोशिकाओं जैसे हड्डियों की मरम्मत के लिए ऑस्टियोक्लास्ट और कोलेजन बनाने के लिए फाइब्रोब्लास्ट आदि का निर्माण करती हैं। इस तरह येलो बोन मैरो न केवल हड्डियों, मांसपेशियों, कोलेजन और कार्टिलेज को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बल्कि ये मैक्रोफेजेस को बनाकर शरीर की सुरक्षा में भी योगदान देता है। इन सब कामों के साथ ही साथ ये फैट स्टोर करने और कुछ खास परिस्थितियों जैसे अनीमिया, खून की कमी, बुखार आदि में खुद को रेड बोन मैरो में बदलकर ज़्यादा खून बनाने में भी मदद करता है। इसके अलावा एक हार्मोन इरेथ्रोपोएटिन भी बोन मैरो को ज़्यादा खून बनाने के लिए उत्तेजित कर सकता है। बोन मैरो इन्फेक्शन के समय ज़्यादा WBC और ज़्यादा खून बहने के समय ज़्यादा प्लेटलेट्स का भी निर्माण करता है। ये RBC के निर्माण के लिए आयरन को भी इकट्ठा करके रखता है। रेड और येलो दोनों बोन मैरो में ही पर्याप्त ब्लड वेसल्स होती हैं, ताकि इनमें तैयार कोशिकाएं खून में आसानी से जा सकें। ये वेसल्स अपरिपक्व ब्लड सेल्स को खून में मिलने से भी रोकती हैं। तो इस तरह बोन मैरो न केवल शरीर के लिए महत्वपूर्ण बहुत से कामों को अंजाम देता है, बल्कि इसका इस्तेमाल कैंसर जैसी जटिल बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है। इसलिए आप इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें और उन्हें बोन मैरो के महत्व के बारे में बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।